हेलो स्टूडेंट्स जुटा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड योर पोइम फोर दिस इज अ चैप्टर थ्री एंड पोइम फोर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को कैसे पहचाने ये इस पोइम का टाइटल है और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे किस प्रकार से अलग अलग जंगली जानवरों को हम कैसे पहचान सकते हैं उनके साउंड उनकी आवाज़ से कैसे उनको जान सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है ये टाइगर है या लॉन है या फिर ये लियोपार्ड है ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसलिए इस पोएम का नाम है दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस ways टू identify और टेल वाइल्ड एनिमल्स रीड इट अलाउड keeping टू अ strong एंड रेगुलर रिदम ये एक ह्यूमरस पोइम है हास्यपूर्ण कविता है इस हास्यपूर्ण कविता में जंगली जानवरों को कैसे पहचाने कुछ खतरनाक तरीके ये सजेस्ट करती है बताती है इस पोइम को आपको तेज आवाज़ में पढ़ना है रीड इट अलाउड और कविता में किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम एक लय इस कविता में आती है वो आपको देखना है तो चलिए एक एक स्टेंजा को हम लेते हैं सबसे पहला स्टेंजा पढ़ते हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ डर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट इफ़ दी रोर्स एट टू यू एज यू आर डाइंग, यू एल नो इट इज़ द एशियन लाइन कैरोलिन वेल्ज इसकी पोइटस हैं वो कहती हैं कि अगर आप कभी पूरब दिशा के जंगलों में जाएं, पूरब नक्से में देखें तो ईस्ट में यदि हम जाएं, तो आपका सामना एक विशाल काय और भूरे पीले जंगली जानवर से हो और अगर वो आपको देख कर ऐसे दहाड़े कि आप उस दहाड़ को सुनकर डर से मरने लगें तो समझ लीजिए कि वह एक एशियन लॉइन है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट यानी कि जब भी आप ईस्ट में जाएं, पूर्व के जंगलों में जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट और आपका सामना एक विशाल काय और भूरे पीले जंगली जानवर से हो यानी भूरा पीला जानवर यहाँ ये शब्द आया है टॉनी बीस्ट के लिए इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग और अगर वो आपको ऐ देख कर ऐसे दहाड़े कि आप उस दहाड़ को सुनकर डर से मरने लगे, एज यू आर डाइंग यू नो इट इज़ द एशियन लॉइन तो समझ लीजिए कि वह एशियाई शेर है ये एशिया में मिलते हैं हेयर द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड टेल्स हाउ एनी वन कैन रिकॉग्नाइज दैम इन अ फॉरेस्ट इन दिस पोएम इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट इफ यू गो टू द जंगल्स ऑफ द ईस्ट यू विल सी अ लार्ज एनिमल विद ब्राउनिस येलो स्किन इफ़ ही रोअर्स एट यू सो स्ट्रांगली दैट यू कैन डाई आउट ऑफ फियर देन यू विल कम टू नो That you have encountered an Asian lion. अगला स्टेंजा देखें जिसमें आपने लॉय को देखा आगे हम देखते हैं बंगाल टाइगर की पहचान कि बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानेंगे इमेज आपको दी है इस इमेज से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसकी बॉडी येलो रहती है जिस पर के येलो ब्लैक कलर की स्टेप्स इसकी येलो बॉडी पर रहती हैं और इफ़ समाइम वैन रोमिंग राउंड A noble wild beast नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू on ब्लैक स्ट्राइप्स ground just ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ you द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द bengal टाइगर टू discern और अगर कभी घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट एक शानदार जंगली जानवर आपका स्वागत करे ग्रीट्स यू आपका अभिवादन करे विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों स्ट्राइप्स मानी धारियाँ काली धारियाँ हों और जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू और आपको वो शिकार बनाने को तैयार हो आपको बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो वो द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न तो आप ये समझने में आसानी होगी सिंपल सा एक रूल है उसको पहचानने के लिए आप जान लें कि देखने में यह एक बंगाल का बाघ है बंगाल का टाइगर है बंगाल टाइगर है नोबल यहाँ यूज किया गया है नोबल हेयर वेरी इम्प्रेसिव इन साइज जो साइज में बहुत बड़ा होता है बड़ा इंप्रेसिव होता है शानदार होता है माने सी या आइडेंटिफाई करना सो इन दीज लाइन्स द पोइट सीज दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू एनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल

He has lapped on you, you will know it is the leopard. Twill to know good to roar with pain. He'll only lap and lap again. Strolling fourth man to walk somewhere in a slow, relaxed way. This is called strolling. Fourth four forwards away from a place. अगर आपको चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे ऐसा जंगली जानवर दिखे ए पीस्ट यू व्यू जिसकी खाल पर हाइड यानी खाल स्किन हुज़ हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड पेपर्ड यानी निशानों से कवर्ड रहना ढके रहना तो जिसकी खाल पर काले धब्बे हों और वह आपको शिकार बनाने को झपटे एज सुन एज ही हैज यू जैसे ही वो आपकी ओर झपटे यू विल नो इट इज़ द लेव पार्ट तो आप समझ लीजिए कि यह चीता है जिसको तेंदुआ भी कहते हैं तेंदुआ है यानी आपने देखा कि बंगाल टाइगर की बॉडी पर ब्लैक स्टिप्स रहती हैं धारियाँ रहती हैं काली पर यहाँ पर ब्लैक स्पॉट रहते हैं धब्बे रहते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टिप्स धारियाँ नहीं रहती यहाँ पर स्पॉट्स रहते हैं चीता या तेंदुआ जिसको बोलेंगे उसके ऊपर लियो पार्ट के ऊपर दि विल डू नो गुड टू रो विद पेन वह आपको दर्द से कराने का मौका ही नहीं देगा अर्थात वो झपट्टा मार करके खाई जाएगा आपको बिल्कुल आपको करहाने का मौका ही नहीं देगा कि आप उस, उसको फील कर सके ऐसा कोई भी चांस वो आपको नहीं देगा वह आप पर सिर्फ झपट्टा ही मारता रहेगा ही इल ओनली लैप एंड लैप अगेन वो केवल आप पर दर्द से चिल्लाने का कोई लाभ आपको नहीं होगा क्योंकि वो तो बार बार आपको बस झपट्टा मारता रहेगा आपको खा ही जाएगा नेक्स्ट एंजा इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ ए बीयर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आ गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस अब यहाँ पर आप देखें यार्ड माने आंगन जो होता है कोर्ट यार्ड हमारे घर में कभी कभी जो ये भालू की बात हो रही है वो आता है हक करता है गले लगाना अगर आप अपने आस पास के कोर्ट यार्ड बाड़े में घूम रहे हों आंगन में कहीं घूम रहे हों वहाँ आपको एक जानवर मिले जो आपको बहुत जोर से गले लगा ले आलिंगन में ले ले आप सरतिया समझ लीजिए समझ जाइए कि वह भालू है इफ़ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हर्ट्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ अ बियर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस अगर आपको कोई भी डाउट है संदेह है तो मेरा अनुमान है आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस तो वह आपको एक बार और प्यार पूर्वक दुलार करेगा प्रेम करेगा केयरस यानी प्रेम करना दुलार करना पर उसको आप ये न समझें कि वो प्यार कर रहा है हकीकत में उसका ये तरीका है अपने शिकार को मार करके खाने का कि वो गले लगाता है और जब तक गले लगाता है ज़ोर ज़ोर से हक करता है जब तक कि वो अपने शिकार को अपने प्रे को एंड नहीं कर देता खत्म नहीं कर देता सो इन दीज लाइन्स द पोइट्स सेज दैट वाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड यू मे एनकाउंटर ए क्रीचर इफ ही हग्स यू वेरी हार्ड देन यू मस्ट बी श्योर दैट यू आर हर्कड बाई अ बियर और इसी को कहते हैं बियर हर्ग ठीक है ना इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन द बीयर विल गिव यू एनदर Tight hug. This hug may seem friendly, but it can be fatal, causing death. Means causing death. The bear will hug you till you die. Next, stanza. Though to distinguish beasts of prey, a noise might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyena, thus. हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स यहाँ पर दो जानवरों की बात की गई है हाइना जिसको लकड़बग्घा भी हम कह सकते हैं और दूसरा है क्रोकोडाइल मगरमच्छ जिसको हम बोलते हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे अगर आप एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे के बीच में एक कैसे अंतर आप जान सकते हैं लकड़बग्घा की जो फीचर्स होते हैं शक्ल जो होती है उसको देखने में उसकी चेहरा ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि खुशी की मुस्कान उसके चेहरे पर दिखती है परंतु यदि वो रोता है तो रोने के टाइम पर वो मगरमच्छ जैसा लगता है यानी मगरमच्छ रोता है तो आप इसको देखें। दो टू डिस्टिंग बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस नोविस माने नोसिखिया जिसको बोलते हैं शिकारी जानवरों को पहचानने में कोई नौसिखिया धोखा खा सकता है एक अनट्रेंड जिसने कभी जानवरों को नहीं देखा हो वो इस तरह का धोखा खा सकता है बीस ऑफ प्रे यानी यहाँ पर एन एनिमल दैट हंट्स किल्स और ईट्स एन दर एनिमल शिकार के लिए

नकलबग हमेशा मुस्कुराता सा प्रतीत होता है बट इफ दे डीप दे आर क्रोकोडाइल्स मगर ये वो और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाता सा दिखाई देता है हाइना ए इस तरह का एक वाइल्ड एनिमल होता है लाइक ए डॉग एक कुत्ते की तरह दिखने वाला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट ईट्स द मीट ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड एंड हैज अ क्राई लाइक अ ह्यूमन लॉफ बिल्कुल वो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है हाइना और वो चिल्लाता है जैसे कि कोई आदमी हंसता है इस तरह की उसकी आवाज़ रहती है तो इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन टू टू डिस्टिंग्विश और रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल्स ही मे नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइना एंड एक््रोकोडाइल एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अनुभवी व्यक्ति उसको अनुभव नहीं होता वो धोखा खा सकता है ए हाइना बिहेव्स वेरी बियर्डली और स्ट्रेंजली एज इट ऑलवेज लॉस वाइल अटैकिंग ऑन इट्स विक्ट ये हाइना की पहचान होती है कि जब भी वो अपने शिकार पर अटैक करता है तो वो हंसता है ए क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड वीप्स वाइल ईटिंग इट स्प्रे जबकि मगरमच्छ जो होता है वो जब भी अपने शिकार को खाता है तो वो रोता सा दिखता उसकी है उसकी आंखों से आंसू से निकलते हैं द पोइट हेयर वार्स दैट पीपल शुड नॉट वेट फॉर अना टू लॉफ एंड अकोडाइल टू वी अब यहाँ पर कभी चेतावनी देता है कि किसी को भी हाइना के मुस्कुराने का और क्रोकोडायल के रोने का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो खतरनाक स्थिति में है शिकार करेंगे बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस सो पीपल शुड कीप दम सेल्फ सेफ एंड शिक्योर इन दोनों ही से हमको दूर रहना चाहिए नेक्स्ट एंजा देखें कमिलियन जिसको आप गिरगिट कहते हैं उसके ऊपर है दू दू कम इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही एनी एट एट ऑल ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द दमिलियन यू सी गिरगिट की बात यहां की गई है सही मायने में गिरगिट एक छिपकली की तरह दिखता है आकार में तो आपने देखा ही है और लिजार्ट लाइक एनिमल गिरगिट ये होता है तो गिरगिट एक छोटी छिपकली की तरह दिखाई पड़ता है उसके कान नहीं होते पंख नहीं होते द ट्रू कम एन इज स्मॉल ऑफ लिविंग ऑफ थिंग एनी ईयर्स एट ऑल कोई कान नहीं होते एंड नॉट अ सिंगल विंग और कोई उसके पंख भी नहीं होते इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री क्योंकि आप जानते हैं गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल लेता है तो अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ नहीं है कमिलियन यू सी इसका मतलब है कि वहां पर गिरगिट है आप कोई गिरगिट को देख सकते हैं तो यह होता है कमिलियन तो इस पोए में अलग अलग जानवरों को बताने की बात की गई इस स्टेंजा में इन दीज लाइन द पोय डिस्क्राइब्स ए कमिलियन He says that a chameleon resembles a small garden lizard. It doesn't have ears and wings. The poet further says that if you are unable to see a thing on the tree, then you are seeing a chameleon, as it changes its color according to its surroundings to escape from its enemy. Color क्यों बदलता है ये अपना? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा करना चाहता है, आने दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए वो इस तरह का करता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डज डाइन रियली राइम विद लाइन कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज क्या डाइन यहां वर्ड आया है पोयम में सचमुच लाइन के साथ में राइम करता है लयबद्ध है क्या आप उसे इस तरह कह सकते हैं जिससे कि वो लयबद्ध हो सके राइम में आ सके इस तरह कैसे संभव है तो आंसर हम लिखेंगे डाइन तो लाइन के जैसा आ, नहीं दिखता नो डाइन डज नॉट राइम विद लाइन इफ यू चेंज द प्रोनन्सिएसन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट एज लाइन यदि हम लाइन का प्रोनांसिएशन लाइन की तरह करें देन इट मी राइम विद द वर्ड डाइन तो फिर इसकी राइम डाइंग से मिल सकती है ये इसका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन देखें हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर वैन कैन यू डू शो अकॉर्डिंग टू हिम कभी किस तरह से शेर और बाघ टाइगर को पहचानने को कहता है और उसके अनुसार कवि के अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉइन एंड द बंगाल टाइगर आप एशियन लॉइन या बंगाल टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं चलिए आंसर देखें द पोइट सजेस्ट दैट इफ़ इन अ फॉरेस्ट यू सी ए लार्ज ब्राउन बीस्ट रोरिंग एट यू वैल यू आर डाइंग देन इट इज़ एन एशियन लॉइन कभी आपको ये बताता है एक सुझाव देता है कि यदि जंगल में आप कुछ भी बड़ा जानवर देखें भूरा पीला जानवर टहलते हुए और वो आपको खाने वाला हो जब आप मरने वाले हों तो समझ लें कि वो एशियन लॉन्ड है दहाड़ रहा हो आपके सामने दहाड़ना रोरिंग करना ये उसकी पहचान है खाते समय वाइल्ड वांडरिंग इन द फॉरेस्ट इफ़ यू कम अक्रॉस अ नोबल बीस्ट With ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन नोटिस इफ ही ईट्स यू देन ही इज a बंगाल टाइगर और फिर जंगल में यदि आप घूम रहे हों और आपके सामने एक शानदार जानवर आ जाए जिसकी येलो स्किन पर पीली स्किन बॉडी हो उसकी और उस पर ब्लैक धारियाँ हो काली धारियाँ हो, तो वो यदि आपको खाता है मारता है तो वो बंगाल टाइगर है यानी वो दहाड़ता नहीं है लॉयन रोरिंग करता है ये सीधा खाता है अटैक करता है कोई आवाज नहीं करता अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इन बोथ द केसेज यू कैन आइडेंटिफाई द बीस्ट वेन यू आर डाइंग इन दोनों में कवि के अनुसार यदि अंतर देखना है तो आप इन दोनों का पहचान तभी सकते हैं जब आप मर रहे हों वो आपको खा रहे हों तभी इन दोनों में अंतर दिख सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली वाई ड पोइट स्पेल देम लाइक दिस क्या आपको लगता है कि जो तीसरी स्टेंजा है उसमें लेफ्ट और लेप्ट सही लिखा है कभी नहीं इनको इस तरह क्यों लिखा है ये क्वेश्चन है स्पेल ऐसे क्यों किया है एक बार लेफ्ट लिखता है दूसरी बार लेफ्ट लिखता है तो क्या अंतर है तो आंसर है द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट दोनों ही गलत तरीके से स्पेल किए गए हैं सही नहीं किए गए हैं द पोइट हैज़ स्पेल्ट देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोम कवि ने केवल इनको स्पेल्ट किया है इस तरीके से ताकि वो उस कविता की रिधम को मेंटेन कर सके रिधम उसकी कविता की बनी रहे उसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं जब कभी कोई कवि अपने आ, अनुसार शब्दों को बदल दे अपनी कविता में ले लाने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दे तो उसको पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं इलेट्रेशन भी इस पोइम में आया गया है कॉन्सोनेंट का रिवीजन हुआ है कारोबार रिपीटेशन हुआ है एलिट्रेशन का उपयोग यहाँ हुआ है द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स लेफ्ट इज लिफ्ट एंड लेफ्ट इज लिप यह सही स्पेलिंग वर्ड्स जो है लेफ्ट के लिए लिफ्ट है एंड लेफ्ट इज लीप है फोर्थ क्वेश्चन देखें डू यू नो वॉट अ बियर हग क्या आप जानते हैं कि भालू का आलिंगन क्या होता है बियर हग क्या होता है इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू तो यह एक फ्रेंडली एक दोस्ताना और मजबूत आलिंगन होता है भालू जिसको हम टेडी वियर भी बोलते हैं जो हमारे लिए तो बच्चों के लिए तो वो एक गले लगा के उसको रखते हैं टेडी बियर को तो वास्तव में ये जो हग होता है झप्पी जिसको कह सकते हैं उसका आलिंगन गले मिलना वो एक दुस्ताना और मजबूत होता है जैसा कि जब भालू आप पर हमला करते हैं तो माना जाता है कि वे ऐसा करते हैं एज बीयर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू अगेन हाइनाज आर थॉट टू लव एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप और फिर ऐसा समझा जाता है कि हाइना जो है लकड़बग्गा वो हंसते हैं और मगरमच्छ रोते हैं जब वे अपनी शिकार को निगलते हैं एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स जब वे अपनी शिकार को निगलते हैं खाते हैं आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेजेज तो क्वेश्चन ये है क्या आपकी भाषा बोली में भी जंगली जानवरों के लिए ऐसा ही भाव और विचार है यानी ये तो इंग्लिश में कभी ने लिखी है कैरोलिन वेल्स ने पर आपके लैंग्वेज में भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन या भाव बातों में आता है यह क्वेश्चन है तो आंसर देखें हग्स इट्स प्रे टू किल इट कॉल्ड हग जब भालू अपने शिकार को मारने के लिए हक करता है आलिंगन करता है तो इसको बियर हक कहते हैं द बीयर कैच इज द प्रे विद बोध हैंड्स एंड प्रेस इज हिम टू डेथ भालू अपने शिकार को दोनों हाथों से पकड़ता है एंड प्रेसिस और उसको दबाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता मरने तक उसको दबाता है वी कैन फाइंड सिमिलर पॉपुलर एक्सप्रेशंस अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन अदर लैंग्वेजेस दूसरी भाषाओं में अभी जंगली जानवरों के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि हिंदी में फॉर एग्ज़ाम्पल हमको ये मुहावरे देखने को मिलते हैं मगरमच्छ के आंसू आना क्रोकोडाइल टीयर जिसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इस तरह के जानवरों के लिए मुहावरे हमारे हिंदी भाषा में हैं ग्रेगेट की तरह रंग बदलना तो यही सब एक्सप्रेशंस हमारी लैंग्वेज में हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखें लुक एट द लाइन ए नोविस माइट नॉन प्लस हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली वाई इज़ द पोइट्स इन करेक्ट लाइन बेटर इन दोइम यहाँ एक लाइन आई है आपके पोईम में ए नोविस माइट नॉन प्लस इस लाइन को आप देखें ये आप किस प्रकार से सही तरह से इसको लिखेंगे कवि की गलत पंक्ति की कविता में क्यों ठीक लगती है ये गलत लाइन है पर कविता में क्यों ठीक लगती है तो इसको सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं द आंसर देखें द लाइन ए नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटर्न करेक्टली एज ए नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वाक्य का सही क्रम जो है ऑर्डर वो नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड होना चाहिए द पोइट इन करेक्ट लाइन साउंड्स बेटर इन द पोईम बिकॉज इट मेंटेन्स द राइम ऑफ द पोइम कवित्री जो हैं उन्होंने इसको साउंड को गलत तरीके से लाइन को लिया है क्योंकि वो पोएम को बेटर करना चाहती हैं पोएम की जो साउंड है उसको राइम में लाना चाहती हैं राइम को मेंटेन करने के लिए उसकी लय को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है राइटिंग नॉन प्लस इनकरेक्टली राइम्स विद दस और नॉन प्लस को लिखना गलत तरीके से जो लिखा है इसलिए दस से राइम करता है इसलिए इसको नॉन प्लस को दस के साथ राइम करने के लिए लिया गया है छठवा क्वेश्चन देखें कैन यू फाइंड अदर एग्जैम्पल्स ऑफ पोइट्स taking liberties with language either in english or in your own languages can you find examples of humorous poems in your own language क्या आप कोई और उदाहरण दे सकते हैं जिसमें कवि ने अपनी तरह से भाषा को लिखने में आज़ादी ली हो अभी आपको बताया मैंने इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं यानी कवि अपने अनुसार भाषा को तोड़ तोड़बरोड़ के शब्दों को बदल दे स्वतंत्रता आज़ादी लिबर्टी ले ले तो इंग्लिश में या किसी अन्य भाषा में ऐसा क्या आप और उदाहरण देखते हैं क्या आप अपनी भाषा में भी ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं इन योर इन ई फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोइम्स इन योर ऑन लैंग्वेजेस आपकी भाषा में भी इस तरह के मिल सकते हैं एग्जाम्पल्स चलिए आंसर देखते हैं वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन पोएट्री वेयर पोर्ट्स टेक लिबर्टी विद द यूज ऑफ लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड पोइट्रिक लाइसेंस कोई भी बहुत से उदाहरण अपनी इस तरह की कविताओं में ढूंढ सकता है जहाँ कवि अपनी भाषा में स्वतंत्रता लेते हैं शब्दों का यूज करते हैं तोड़ मरोड़ के शब्दों को लय बनाने के लिए कविता में ले लेते हैं और इसको कहते हैं पोइटिक लाइसेंस सच लिबर्टी इज़ टेकन टू क्रिएट और मेंटेन द प्रॉपर रिदम ऑफ द पोएम और इस तरह की लिबर्टी स्वतंत्रता आज़ादी केवल उस पोएम में एक प्रॉपर एक उचित रिदम लय क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ट इज यूज इंस्टीड ऑफ प्रेस्ड अब यहाँ एक लाइन आपको पोईम का उदाहरण के रूप में दे रहे हैं नीचे यहाँ पर प्रेस्ड वर्ड को यूज किया गया है प्रेस्ड की जगह पर सो दैट इट में रैम विथ ब्रेस्ट ताकि ब्रेस्ट के साथ में रैम कर सके तो ये आप देख सकते हैं एज ट्री हुई माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट यहाँ प्रेस्ट को यूज किया गया है जबकि सही शब्द है पर इसके साथ लय बनाने के लिए ब्रेस्ट के साथ में इसको लिया गया है सेवन क्वेश्चन देखें मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोइम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज ऑल दो द आइडियाज आर फनी एज वेल कभी अक्सर अपनी कविताओं में हास्यास्पद यानी ह्यूमरस इफेक्ट डालते हैं तो यह कविता भी हास्यास्पद है ह्यूमरस है जिस वजह जिस वजह से इसकी जो शैली है भाषा शैली इसमें ली गई है जबकि साथ ही साथ विचार भी इसके मनोरंजन वाले हैं ऑल दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल भाषा भी मनोरंजन वाली है और इसके विचार भी मनोरंजन वाले हैं इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोईम दैट यू स्पेशली लाइक यदि कोई खास लाइन विशेष आपको पसंद आई हो शेयर दीज विथ द क्लास तो आप अपनी कक्षा के साथ चर्चा करें कक्षा में क्लास में स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट वॉट इट इज़ अबाउट द आइडियाज़ और द लैंग्वेज दैट टू लाइक और फाइंड फनी इस पोइम में आप ढूंढें ऐसी कौन सी लाइन है या ऐसी कौन सी भाषा या विचार है जो आपको ह्यूमरस लगा इस कविता को पढ़ करके तो आंसर देखें द पोइम इज़ रिप्लीट विद फनी आइडियाज एंड लैंग्वेज ये पूरी कविता जो है वो फ़नी आइडियाज़ मज़ेदार विचारों से और भाषा से भरी पड़ी है सम ऑफ द लाइन्स विच आई लाइक फॉर देयर फनी आइडियाज़ आर एज फॉलोज कुछ लाइन आपको मज़े वाली बात यहाँ इस लाइन में दिखेगी जो हमने ब्लू कलर से लिख रखी है ए नोवल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू यानी एक शानदार जंगली जानवर आपका स्वागत करता है जब भी आप घूमते हैं जंगल में तो ये लाइन आई है अब आपको लगता है कि कोई जानवर हमारे स्वागत के लिए बैठा है वो तो हमें खाने के लिए बैठा है तो ये एक फ़नी थाट है द आइडिया दैट वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी यह आइडिया की कोई जंगली जानवर हमें वेलकम करने के लिए वहां बैठा है तो ये तो पूरी तरीके से फनी है द लैंग्वेज इज द लाइन ही ओनली लेप एंड लेप अकेन इज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस यहाँ एक और लाइन आई है ही विल ओनली लेप एंड लेप अकेन की वो बार बार उछलेगा उछलेगा आपके ऊपर ये भी ह्यूमरस है अब वो उछलता है इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटा बच्चा हमारे पेड़ पर उछल रहा है वो उछलता है क्योंकि वो इस तरीके से खाता है अपने शिकार को मारता है तो यहाँ पर जबरदस्ती का इस लाइन को एक फनी आइडिया दिया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप फ्रॉम द बर्ड ल्यू पार्ट जनरेट्स ह्यूमर ल्यू पार्ट का लकड़बग्गे का इस तरीके से लैप करना ये जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमर जनरेट करता है पैदा करता है अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें ये पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कोएम का सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम आपके एग्जाम में आ सकती है व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम यहाँ पर ये ऑफ नहीं है इसको आप और है ये और लिखें ओ आर और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये जो पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसका आपको थीम लिखना है या ये सेंट्रल आइडिया भी पूछा जा सकता है तो दोनों में से कोई भी जो शब्द पूछ दिया गया हो पेपर में क्वेश्चन में आप देखें हाउ डज द पोइट क्रिएट ह्यूमर इन द पोइम ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि कवि जो है कैसे ह्यूमर इसमें क्रिएट करता है इस कविता में हास्य कैसे प्रकट करता है प्रस्तुत करता है या फिर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हाउ डिज़ कैरोलिन वेल्स यूज़ ह्यूमर टू टेल और आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को पहचानने के बारे में ह्यूमर किस प्रकार से कैरोलिन वेल्स जो इसकी कवित्री हैं उन्होंने प्रकट किया है तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है तो चलिए थीम या सेंट्रल आइडिया जो भी है हम आंसर देखते हैं द थीम ऑफ द पोइम इज टू क्रिएट ह्यूमर इस कविता की जो थीम है जो भाव है विचार है वो सिर्फ ह्यूमर है मनोरंजन करना द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर बाई सजेस्टिंग डेंजरस वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स कभी यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट करता है केवल उन जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने में पहचानने के भिन्न खतरनाक तरीकों के बारे में वो ह्यूमर क्रिएट करता है यू कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बीस्ट वाइल दे आर अटैकिंग यू अब यहाँ पर सबसे बड़ा ह्यूमर तो यही है कि आप जानवरों को बहुत से जानवरों को तभी पहचान सकते हैं जब वो आप पर अटैक करते हैं जिसने नहीं देखा हो जानवरों को ज़्यादा तो फिर वो तो केवल अटैक किया अटैक के टाइम पे हम उनको पहचानेंगे तब तक तो उनको खा ही जाएंगे तो ये एक ह्यूमर वाली बात है इंस्टीट्यूट ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यदि आप खुद को अपने मदद के लिए किसी को चिल्लाएं मदद के लिए बुलाएँ या फिर खुद को सुरक्षा के लिए प्रयास करें तो यू आर बिजी इन आइडेंटिफाइंग द अटैकर तो ह्यूमर की बात यह है कि उस समय आप मदद करके लिए बुलाएंगे चिल्लाएंगे दूसरों के लिए या फिर उस जानवर की आइडेंटिफिकेशन उसको पहचानने में बिजी रहेंगे द आइडिया क्रिएट्स ह्यूमर ये जो आइडिया है ये ह्यूमर मनोरंजन पैदा करता है कविता में सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए टाइगर एंड ए ल्यू आप एक टाइगर को और लियो को कैसे उसमें अंतर कर सकते हैं आपने पोइम पढ़ी समझ गए होंगे क्या अंतर हो सकता है एक टाइगर और लियो में तो आंसर है ए टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो बॉडी एक टाइगर की तो पीला बॉडी होती है येलो बॉडी होती है जिसके ऊपर काली धारियाँ होती हैं स्ट्राइप्स होती हैं धारियाँ ऑन द अदर हैंड ए ल्यू पार्ड ऑन डज नॉट हैनी स्ट्रेप्स जबकि लकड़बग्गा जो होता है ल्यू पार्ड उसके ऊपर कोई धारियाँ नहीं होती स्टेप्स नहीं होती इट हैज स्पॉट्स पेपर्ड ऑन इट्स बॉडी इसकी बॉडी पर तो काले धब्बे होते हैं जो उसकी बॉडी को पेपर्ड ढके रहते हैं थर्ड क्वेश्चन देखें हाउ डज ए ल्यू पार्ड बिहेव वेन ही सीज सम एक लकड़बग्गा कैसे व्यवहार करता है जब वो किसी को देखता है क्या बताया गया इस पोए में आंसर देखें ए लियोपार हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी एक लकड़ या लियोपार्ड जो होता है तेंदुआ जिसको बोलते हैं उसकी पूरी बॉडी पर काले स्पॉट होते हैं एज सुन एज इट सी समन जैसे ही ये किसी को देखता है इट जम्प्स ओवर हिम एटवंस तो ये तुरंत उस पर कूदता है जंप करता है इट कीप्स ऑन जंपिंग एंड अटैकिंग इट्स विक्टम कंटिन्यूसली अनटिल डेथ और ये अपने शिकार पर विक्टिम पर अटैक करता ही रहता है कूदता ही रहता है कंटिन्यूसली लगातार जब तक कि उसकी मौत न हो जाए अंटिल डेथ जब तक कि वो मर नहीं जाता उसका शिकार तब तक उस पर ये जंप करता रहता है तो ये ड्यू पार्ट की पहचान है थैंक यू आपने वीडियो देखा अभी तक आपने एम पी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब लाल कलर से आपके मोबाइल में लिखा हुआ दिख रहा होगा इसको आप टच करेंगे इसके टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब व्हाइट कलर बदल जाएगा चैनल सब्सक्राइब हो चुका है बगल में बेल आइकॉन है इन बेल आइकॉन को घंटी को आप टच करना ना भूलें इसको टच करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करके रखें इसके टच करने से लाभ ये होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा तो जल्दी से नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके रखें और इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो आप हमारी प्ले में जाएंगे तो आपको अपने सिलेबस के अन्य वीडियो ग्रामर रिलेटेड राइटिंग इसके रिलेटेड और टेक्स्ट बुक के रिलेटेड सभी इसके पहले के लेसन्स के वीडियो की लिंक भी आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वीडियो मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले के लेसन्स की वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएँ